बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चों लेक्चर में आज जो हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहला टॉपिक है वो है बच्चों एंगुलर मोमेंटम का। कौन सा टॉपिक है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक हम लोग जल्दी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या नाम है हमारे टॉपिक का? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। बच्चों देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों क्या पढ़ते आ रहे हैं बताएं? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सर्कुलर मोशन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सर्कुलर मोशन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिफाइंड एज, बच्चों इसको कैसे डिफाइन किया था? इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर, इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम। इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। देखें दोबारा से इसकी डेफिनेशन। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम मैथमेटिकली, कौन सी कली? मैथमेटिकली बच्चों, मैथमेटिकली बच्चों इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर। इसको बच्चों किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे मूवमेंट ऑफ का लफ्ज आ जाती है तो वो एंगुलर बन जाती है ना। मूवमेंट, जिस तरह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अच्छा मूवमेंट ऑफ मैस को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जी, लाओ जी बच्चों मैथमेटिकली, मैथमेटिकली बच्चों हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। यहां पर जो बच्चों आर है ये क्या है? बच्चों आर जो है ये पोजिशन वेक्टर है। आर को क्या बोलते हैं? पोजिशन वेक्टर। इस पी को क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। तो करो, और ये एल को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ये वो बचपन की बातें जो कि आप लोग अभी तक पढ़ते आए नहीं थे, अब आप लोगों को पढ़नी पड़ रही है। बच्चों मेरी बात सुने, ये तो आप लोगों के पास एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखते हैं बच्चों। अगर मैं आपको कहता हूं जी इसकी एक्सप्लेनेशन, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, सपोज करते हैं जी एक पार्टिकल पी है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v एंड लीनियर मोमेंटम p रिलेटिव टू द ओरिजिन o। ये देखें बच्चों, ये एक सर्कल में बनाते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक एक पॉइंट p बच्चों इस सर्कल में मूव कर रहा है जिसका मास m है। और आपको पता है हर पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी। अच्छा, अब इस वक्त आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें। अगर आप लोग बच्चों यहां पर देखें तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा? आर वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर इसका आपको पता है ना, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये देखें, ये पोजीशन वेक्टर और ये वी है बच्चों। अब ये पॉइंट पी सर्कल में मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वी के साथ, और इस पॉइंट पी का बच्चों, और इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है?
आर है, तो लिखें कहानी कंसीडर, हां जी हां जी। बाकी बचे पुत्र मैंने एडमिट पर किया हुआ है, इनका नेट खराब है, ऑलरेडी मैंने एडमिट ऑल पे कर दिया क्लिक, ये अब इनको मैं कुछ नहीं कर सकता, इनका माशाल्लाह नेट ही हलाहला होना है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ, मैंने एडमिट कर दिया हुआ पुत्र, अभी ऑप्शन आ रही थी, ऑफ मैस एम, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम एंड वेलोसिटी वी, एंड वेलोसिटी वी एंड मोमेंटम पी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम एंड वेलोसिटी वी एंड मोमेंटम पी रिलेटिव टू ओरिजन, रिलेटिव टू ओरिजन, रिलेटिव टू ओरिजन ओ, ठीक है जी, इट्स एंगुलर मोमेंटम, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, तो बच्चों इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो लिखा जाता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P से। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरी एक बात सुने, आपको पता है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है ना, मैं एक बड़ी काम की बात बताने लगा हूं एमसीक्यू के हवाले से, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कल, ये वैसे ही लिख रहा हूं साइड पर, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कल, ये आप लोग लिख भी देना उसके बाद कोई मसले वाली बात नहीं है, एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज 90 degrees, हो है मैंने बोला एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज 90 degrees, बच्चों यहां पर सोचनेबल बात यह है कि ये 90 डिग्री मैंने कैसे लिखा, किसी अन्य को भी नजर आ जाएगा, यार मेरी बात सुनो, आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होता है, अच्छा अब मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, पोजिशन वेक्टर इधर है, तो बच्चों इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का ही नहीं बन रहा, जब पार्टिकल सर्कल में मूव करता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम और पोजिशन वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहां तक समय लग गई, हरी अब जल्दी जल्दी बताएं, ओ बता दो भाई, अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखें नेक्स्ट, इसका मतलब ये L इज इक्वल टू R क्रॉस P है, बच्चों क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, ये देखना जरा गौर से, L इज इक्वल टू R क्रॉस P को मैं लिखता हूं जी, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, अच्छा इसी को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं R P साइन थीटा, और आपको पता है यहां पर यूनिट वेक्टर आएगा, अच्छा अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को खत्म कर दूंगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में जस्ट आर पी साइन थीटा बन जाएगा, अब ये आपके पास L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा आया, क्या मैं अभी आपको पीछे बताकर नहीं आया कि R और P ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन R एंड P, और बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये एंगल कितने डिग्री था 90 डिग्री था, बच्चों जब आप लोग यहां पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 डिग्री आ गया, अब साइन 90 डिग्री कितना होता है, ऑब्वियस ही बात है 1 होता है, L इज इक्वल टू आर पी बचा, अब P इज इक्वल टू एम वी होता है, वो छोटे होते आप लोगों ने पढ़ा था, चलो यहां पर पुट करो तो L इज इक्वल टू एम वी आर आ गया, लो जी बच्चों ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला आया L इज इक्वल टू एम वी आर, तो अक्सर का पेपर में दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव डेट L इज इक्वल टू एम वी आर, क्या प्रूफ कर लेंगे, हरी अब हैंड रेज करो, कोई मुश्किल चीज, ओ भाई कोई मुश्किल चीज है ही नहीं अभी तक, ये देखो जस्ट मैंने साइन 90 पुट किया उसके बाद पी की जगह पर एम वी पुट किया तो बच्चों एम वी आर आ गया, ओके नेक्स्ट, अब बच्चों एक बात जो आप लोगों ने यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़े गौर से सुननी है, आप लोग मुझे एक बात बताएं, ये देखें इधर, अगर मैं आप लोगों को यहां पर ये कहता हूं एंगुलर मोमेंटम की इसी चीज को जरा देखें, बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आप लोगों को याद है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, V की जगह पर R ओमेगा, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी याद होना चाहिए आपको, तो बच्चों मैं V की जगह पर, भाई V की जगह पर R ओमेगा लिख सकता हूं ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था आप लोगों ने, अच्छा तो चलें यहां पर पुट करें तो बताएं L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हर छीदे मीदे को नजर आएगा L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा आएगा, और अब मजे की बात बच्चों, मजे की बात आपको पता है ये एम आर स्केयर होता है ना, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है,
आई जो होता है बच्चों ये एम आर स्क्वायर नहीं होता, तो मुझे बताएं मैं जब इसकी जगह पर आई पुट कर दूंगा तो बच्चों आपके पास फाइनली एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आ गया, ये आपके पास फाइनल फार्मूला आया। अक्सर का पेपर में दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव डेट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, दिस इज एंगुलर फॉर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो कैसे बच्चों, देखें आप लोगों को याद है लीनियर मोमेंटम था पी इज इक्वल टू एम वी, तो देखो पी पी लीनियर मोशन में पी था, एंगुलर मोशन में इसी पी की जगह पर एंगुलर मोमेंटम आ गया, लीनियर मोशन में एम मैस था, सर्कुलर मोशन में वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, लीनियर मोशन में ये वी वेलोसिटी थी, एंगुलर मोशन में वो ओमेगा बन गया। जस्ट लाइक जस्ट लाइक जस्ट लाइक आपको याद होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, जब आपने इसको एंगुलर फॉर्म में देखा था तो वो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बन गया था, इसी तरह पी इज इक्वल टू एम वी तो एंगुलर फॉर्म में बच्चों यही क्या बन जाएगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। कुछ याद आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में और ये आज के टॉपिक में पढ़ लिया है और ये ऐसी बात वहां पर भी पढ़ी थी। डन बच्चो, हरी अप हैंड रेस करो। तो ये एंगुलर मोमेंटम की अभी तक आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, देखिए अगर ये लॉन्ग में आएगा, सबसे पहले डेफिनेशन फिर मैथमेटिकली फिर एक्सप्लेनेशन में ये कहानी और एक्सप्लेनेशन में ये प्रूफ कर देंगे। हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज, जो बच्चा नहीं करेगा जो बच्चा नहीं सही तरह बताएगा उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा चर्सी को। हाँ ये चीज डॉक्टर हम आगे पहुंचे हुए हैं, आप अभी तक पीछे हो, यहां पे पी के हो क्या? वेरी गुड, चीटी लगी हो आप। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कल एंगल बिटवीन आर एंड पी इज 90 डिग्री। हो है एचडी रिजल्ट है। लो जी लिख लिया, शुक्र है, मैं कहा पता नहीं हज करने चली गई थी आप। ये देखो बच्चों मेरी एक बात सुने, इसके ना आप लोगों ने यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लो जी यूनिट्स निकालते हैं बच्चों मेरी बात सुने, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, L इज इक्वल टू एम वी आर से निकाल लेते हैं, आसान है ना, जिससे मर्जी निकाल लो आ तो सबसे जाने हैं। अच्छा M की जगह पर क्या आएगा? हाँ जी M की जगह पर आ गया किलोग्राम, V की जगह पर आ गया मीटर पर सेकंड, R की जगह पर आ गया मीटर। ओ भाई जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बन जाएगा। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपके पास पेपर में जौल की फॉर्म में लिखा हो, ये तो आ गया ना SI बेस यूनिट, ये तो आ गया ना SI यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अगर बच्चों आपके पास ये लिखा हो जौल की फॉर्म में, उस तरह की फॉर्म में अगर ऑप्शन आ जाए, तो बच्चों आपको पता है मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। थोड़ा सा गौर से देखो जरा, ओ भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोबारा जवाब ऊपर वाला ही आ जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे पर सेकंड को एस की पावर, ओ भाई माइनस वन को मैं लिख नहीं सकता, माइनस टू प्लस वन, मैं माइनस टू प्लस वन लिख सकता हूं। तो अब इतनी सी जो चीज है बच्चों, इतनी सी जो चीज है ये बन जाएगी जौल, ये क्या बन जाएगी जौल। तो आपके पास बाकी बच गया जाउल सेकंड, तो लो जी जाउल सेकंड इज एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट है और ये एसआई बेस यूनिट आपके पास आया है। एक और बात, अगर मैं आपको कहता हूं बच्चों इसकी डायमेंशंस बताएं तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप लोगों ने अगर बच्चों इसकी डायमेंशंस निकालनी है, एक तो तरीका होता है बेस यूनिट्स को देख के डायमेंशन लिख लें, अगर ये नहीं लिखनी तो देखें एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होगी मास की डायमेंशन इंटू वी की डायमेंशन इंटू आर की डायमेंशन। अब मैस की m, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन और रेडियस की l, तो बच्चों ये मिलके बन जाएगा m l स्क्वायर t की पावर माइनस वन, सो दैट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लो जी बच्चों ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस भी आ गई। और अगर मैं आपसे पूछूं ये स्केलर है या वेक्टर है, तो बच्चों ये आपने शुरू में देख लिया था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह बच्चों एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ही थे, इसी तरह ये है एंड इट्स डायरेक्शन। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होती थी, बोलना जल्दी बोलना, बोलो यस, इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं ए ओ आर लिख रहा हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों इसकी भी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, और किसके जरिए से मालूम करेंगे, वही रूल, कौन सा रूल,
एक ही रूल फिजिक्स की दुनिया में इन तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को मालूम करने का, जिसको हम लोग फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं रे, राइट हैंड रूल बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होगी, बिल्कुल जस्ट लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जल्दी जल्दी करो। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। बच्चों याद है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी सेम यही बातें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, उसके बाद यूनिट्स, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जिसमें प्रूफ किया था टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसी तरह सेम हेडिंग्स बच्चों इसकी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, अगर किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने कैलकुलेट करना हो। बच्चों मेरी सुने बात, इधर सुने, ये देखो मैं आपको ये कहता हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि जी सपोज करते हैं दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉडी, रिजिड बॉडी। बच्चों ये एक रिजिड बॉडी है, बड़ी ढीट किस्म की, डेट इज अ रिजिड बॉडी। ओके अच्छा, ये रिजिड बॉडी बच्चों ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, डेट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बच्चों मैं इसका यहां पर क्या बना देता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आ मैं शो कर देना भाई जने का की बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बच्चों मैंने इसका क्या शो कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर दिया। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड दिस बॉडी कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो बच्चों जब ये रोटेट कर सकती है, जारी बात है इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होगी, ए ओ आर बोले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ये सारे बच्चों इसी डायरेक्शन के अलोंग होंगे। हाँ इनके ऊपर अगर वेक्टर ना भी लगाएं खैर है, क्योंकि इन तमाम की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए वेक्टर ना भी लगाएं तो चलता है। अच्छा अब ये देखो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ये पूरी बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है बच्चों ये एक सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी है, क्या है ये, एक सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी से मुराद है जितना मैस इसका इस साइड पे उतना मैस ऑपोजिट साइड पर है। अच्छा जी ये एक सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी है बच्चों, रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस, और ये रोटेट कर रही है रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, और बच्चों ये अपने फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, चरसी रोटेट कर रही है। ठीक हो गया, अच्छा रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, बच्चों ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। अब आप लोग मुझे ये बताएं ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी, आपको याद होगा अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी तो ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट्स बच्चों, ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी ऑल्सो रोटेट्स अबाउट द सेम एक्सिस। तो बच्चों इसका हर पार्टिकल भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, इन अ सर्कल इसका हर पार्टिकल भी सर्कल में रोटेट करेगा, ठीक है जी, विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बच्चों देखो जब ये बॉडी रोटेट करेगी अपने एक्सिस के गिर्द, तो बच्चों इस बॉडी का हर पार्टिकल भी रोटेट करता है सेम एक्सिस के गिर्द सर्कल में सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो बच्चों इसका मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम, आप तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा ये किसके बराबर होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल फिर थर्ड पार्टिकल का एंड सो ऑन, और फिर एन वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। क्या बच्चों ये बॉडी छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी होगी, ठीक है तो बच्चों हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड करो तो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर एक का नाम दे देना है। ये आप लोगों ने हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला, सबको ऐड किया, आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आया।
अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुननी है जरा यहाँ पे देखो, अब ये रिजिड बॉडी अपने सेंटर से सपोज करें यहां पर, ये डिफरेंट मैसेज से मिलके बनी है, मैं आपको एक ही मैस शो करता हूं और ये जब सर्कल में मूव करेगी इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग ही होगी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होगी और इसका जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा, इसका जो पोजिशन वेक्टर होगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अभी मैंने एक पार्टिकल को शो किया, आप लोग डिफरेंट पार्टिकल्स को शो कर सकते हैं, आपकी किताब वाले ने भी एक को किया है, एक पार्टिकल जो सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी, उसका मैस एम है और उसका सर्कल का रेडियस ऐसे है। अच्छा अब मेरी बात सुने, इसका क्या बच्चों, एक मैस में मैंने डिवाइड किया, एन मैसेज में डिवाइड किया, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ हियर, बच्चों आप मुझे बताएं, यहां पर तीन चीजें मैंने लिखी एम आर और वी, मुझे बताएं एंगुलर मोमेंटम के किस फॉर्मूले में ये तीनों चीजें आती थी, बताओ वो बताओ, एंगुलर मोमेंटम के किस फॉर्मूले में ये तीनों चीजें आती थी। आप लोग कहोगे सर जी एल वन इज इक्वल टू, अच्छा अब आप लोग देखें इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी तो सर्कल के अलोंग है, तो आप लोग इसका मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सर्कल के अलोंग है, लीनियर वेलोसिटी ऐसे है और सर्कल के अलोंग इसके एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन है। बच्चों मेरी बात सुने, इधर सुनना जरा गौर से सुनना, ओ हेलो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एम वन आर वन स्केयर ओमेगा वन, मैं लिख सकता हूं एम टू आर टू स्केयर ओमेगा टू, और ये चलेगा बच्चों कहां तक चलेगा, एल एन इज इक्वल टू एम एन आर स्केयर एन ओमेगा एन। किसी को गलती से समय लगी हो, ओ भाई पीछे भी फार्मा नहीं पढ़ के आए थे आप लोग, एल इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा, ये कहां पर पढ़ा था, ये चर्सी किस्म के लोग बैठे हैं मुंह उठा के यार, ये देखो भाई जिसमें मैस रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी थी, आप इसमें भी कर सकते हैं एम वी आर से भी कर सकते हैं, मगर वो बाद में भी तो वी की जगह पर आर ओमेगा जाके पुट करना है ना आपने, ठीक है, आप एम वी आर को भी यूज कर सकते हैं, मगर आप लोग देखें हम लोग ज्यादातर डील कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन के अलोंग, तो आप इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में करना है, ये लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में है, चैप्टर आपका एंगुलर मोशन वाला है, तो आप इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में फाइंड आउट कर लें, इससे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि इससे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आंसर फिर भी सेम आएगा, मगर इसी को सोल्व करके बाद में भी तो ये लिखना है, तो हम पहले ही इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए मैं एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा में ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, एम वी आर से भी कर सकते हैं भाई चर्सी हो। चलो ये देखो, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, बच्चों मैं इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करता हूं, देखें जैसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करूंगा तो एल टोटल किसके बराबर आ जाएगा, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा वन प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा टू, और ये चलेगा कहां तक, एम एन आर स्क्वायर एन और ओमेगा एन। जी बच्चों डन, ये आ गया। अच्छा एक बात तो सुनो यार, क्या आपने पढ़ा कि पूरी पूरी बॉडी की हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या है, कॉन्स्टेंट है। मैंने आपको भी पीछे बताया जिस तरह टॉर्क वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अल्फा कॉन्स्टेंट होता था, इस तरह ये कॉन्स्टेंट है, तो बच्चों ओमेगा वन ओमेगा टू सब की जगह पर आ जाएगा, अकेला ओमेगा, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन, ये कहां तक चलेगा, एम एन आर स्क्वायर एन ओमेगा। ओ भाई इन सब में से ओमेगा को कॉमन ले लो, एम वन आर वन का स्क्वायर एम टू आर टू का स्क्वायर, और ये कहां तक चलेगा, एम एन आर स्क्वायर एन, इन सब में ओमेगा कॉन्स्टेंट आ गया, हो इन सब में से ओमेगा क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। बच्चों इस पूरी चीज को याद है समेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर स्क्वायर आई, और साथ में है ये ओमेगा, और इसी पूरी चीज को टोटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो लो जी आपके पास एंगुलर मोमेंटम दोबारा पूरी रिजिड बॉडी का किसके बराबर आ गया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड इनटू टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी, सो दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। आई थिंक देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस टॉपिक। फिर ना बच्चों आखिरी बात बस, एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स की दुनिया में हम लोग दो तरह का लेते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल ओ से शो करते हैं, एक होता है स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, एल एस से शो करते हैं।
बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके अलोंग होता है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटिंग इन द सर्कुलर पाथ। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो ऑर्बिटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अलोंग सर्कुलर पाथ। बच्चों अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग ऑर्बिट कर रही हो तो उसके एंगुलर मोमेंटम को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, ठीक है जी, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं आपको कहता हूं जी आप यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखें यहां पर एक ब्यूटीफुल बच्चा है, ठीक है, एक इसके साथ बच्चों एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा इधर करके एक दूसरा बच्चा है, ऐसे ये बच्चा है। बच्चों ये हाथ मिला के इसको चर्सी को ऐसे सर्कल में घुमाए, ऐसे इसे के चल भी पुत्र, ये देखो इसको हाथ से पकड़ के तो ऐसे घुमाना शुरू कर दे, इधर उधर घूम, ये ऐसे इसको घुमाए ऐसे, मतलब खुद यहां पे खड़ा हुआ है, खुद यहां पे जमा हुआ ये चर्सी खुशी खुशी में, और इसको बेचारे को पकड़ के सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है। तो बच्चों ये देखें जब खुद इधर खड़ा है ऐसे पकड़ के उसको चर्सी को घुमा रहा है, वो बांदर किला याद है, वो बचपन में वो आप लोग देखते थे बांदर किले वाली गेम, जिसके अंदर आप लोग सेंटर में यहाँ पे रस्सी बांध के तो खुद पूरा जो है ना कहते थे चल भाई यहाँ जूती चौक है, इधर जूतियां रखी होती थी सेंटर में, तो फिर आप लोग इधर रस्सी बांध के तो खड़े होते थे, ठीक है, आपकी रस्सी ही लेनी चाहिए, और आपने कोई बंदा आए ना जूता पकड़ने हैं और गोली मारो, मजाक कर रहा हूं, ये देखो। तो बच्चों ये देखें अब कोई भी बॉडी ऐसे, ये देखें ये फिक्स एक्सिस है ये ऐसे, अब आप लोग देखें ये बॉडी सर्कल में ऐसे मूव कर रही है, तो बच्चों जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होगी उसके एंगुलर मोमेंटम को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। अच्छा फिर ये कहता है ना भाई तूने पूरे सर्कल में नहीं मूव करना, चल अपनी एक्सिस के गिर्द डांस कर चर्सी ऐसे। ये बंदा अगर अपनी एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू कर दे, अपनी एक्सिस के गिर्द घूमे अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बच्चों अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो अपने ही एक्सिस के गिर्द इसका जो मोमेंटम होगा उसे हम लोग नाम देंगे स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम का, उसे हम लोग किसका नाम देंगे स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। अरे वो चर्सी लोगों ये देखो मैं आप लोगों को इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, कई लोग डर गए हैं, ये देखें आपको पता है जमीन सूरज के गिर्द घेरे लगा रही है, ये बैठा है आपका फूफा सन और ये आपकी जमीन है चर्सी अर्थ, अब ये ना कहना अर्थ जमीन अर्थ सूरज से बड़ी, ओ भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सन के गिर्द ये घेरे लगा रही है। अच्छा अब मेरी बात सुने, जमीन बच्चों सूरज के गिर्द घेरे लगा रही है, ये बिल्कुल लगा रही है, तो बच्चों इस तरह सर्कल के अलोंग इसका जो मोमेंटम होगा डेट मोमेंटम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्रीन से, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मगर आपको पता है ये अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी तो स्पिन कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द भी तो ये अर्थ घूम रही है, तो बच्चों उसके एक्सिस के गिर्द जो उसका मोमेंटम होगा दैट इज नोन एज स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब एट अ टाइम एक बॉडी के दोनों एंगुलर मोमेंटम भी हो सकते हैं, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम भी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, ऑर्बिट का रेडियस होता है, ये डिपेंड करता है ऑर्बिटल रेडियस पर, ये ऑर्बिट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। जबकि स्पिनिंग में आप लोग देखें इसको सिर्फ क्या किससे गर्ज है, बॉडी को अपने आप से गर्ज है, बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, बॉडी को अपने आप से गर्ज है। तो बच्चों अर्थ अब देखें ये जब इसको अपने आप से गर्ज है, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो इसमें हम लोग डील करते हैं रेडियस ऑफ द बॉडी को, ठीक है, इसमें जो साइज होगा वो बॉडी का साइज होगा, साइज ऑफ द बॉडी को डिस्कस करेगा ये, क्योंकि ये बॉडी तो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, यहां पर ऑर्बिट के साइज के लिहाज से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट किया करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैं आप लोगों को ये बातें और भी क्लियरली बताऊंगा। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की कितनी टाइप्स हो गई, दो टाइप्स हो गई। लो जी ओवरऑल बच्चों क्विक स्टेप्स कुछ इस पूरे टॉपिक के। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, पेपर में बैठे बैठे सबसे पहले क्या करना है, चॉकलेट लेके जानी वो खानी। अरे वो चर्सी लोगों सबसे पहले आप लोगों ने इसकी ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन लिखनी है, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने बच्चों इसका फार्मूला लिखना है, फिर बच्चों तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है, वो थोड़ी सी कहानी लिखनी है, उस एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोगों ने एल इज इक्वल टू एम वी आर भी प्रूफ करना है, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा भी प्रूफ करना है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ये लिखना है, फिर चौथे नंबर पे बच्चों आप लोगों ने इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिखनी है, क्या लिखनी है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, अगर ये लॉन्ग में आएगा
फिर बच्चों पांचवें नंबर पे आप लोगों ने फोर रिजिड बॉडी लिखना है कि रिजिड बॉडी के ऊपर हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और उसके बाद एंड पर आप लोगों ने इसकी टाइप्स लिखनी है और फिर आपकी ये कहानी खत्म हो जाएगी। बच्चों एक बात एंड पर जाते जाते, एक ना टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, देखो मेरी बात सुनो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में दूरी बहुत बढ़ जाए तो वो बेचारे एक दूसरे के लिए पॉइंट बन जाते हैं। ओए होए 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 होए, कैसे, मेरी बात सुनो, सपोज करो यहां पे ये बच्चा था बेचारा, ठीक है, ये यहां पर खड़ा था, ये बच्चा एक इसके पास खड़ा हुआ, ये दोनों चरसी एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, दोनों एक दूसरे को पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। अच्छा अब इन्होंने दूर जाना शुरू कर दिया एक दूसरे से। बच्चों अगर दो ऑब्जेक्ट्स अब एक दूसरे से दूर जाते हैं, सपोज करो एक वो पहुंच गया चौथे मल्ले, एक वो उधर पहुंच गया, बच्चों मुझे बताएं जैसे ये दूर जाते जाएंगे ये एक दूसरे के लिए छोटे नहीं होते जाएंगे, छोटे। इसका मतलब ये दूर जाते जा रहे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत बढ़ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, तो वो दोनों बच्चों एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, पॉइंट बन जाएंगे। तो बच्चों अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस या अगर दो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बच्चों उनके बॉडी के साइज से, उनके बॉडी के साइज से बहुत बढ़ जाए तो बच्चों एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आप देखें जमीन से, आप लोग सूरज को देखें आप लोगों को एक पॉइंट नजर आता है, सितारे को देखें एक पॉइंट नजर आता है, वो भाई आपके दरमियान में आपकी बॉडी आपके आपके बॉडी के साइज या आप लोग अर्थ और क्या नाम है उसके दरमियान का डिस्टेंस देख लें, आप उन दोनों के यानी अर्थ और जिस को आप देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो बच्चों वो आप लोगों के लिए क्या बन जाएंगे, फिर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों व्हेन द ऑर्बिटल रेडियस इज लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द बॉडी देन द बॉडी मे बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन ऑर्बिटल रेडियस इज लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द बॉडी। बच्चों अगर किसी बॉडी का ऑर्बिटल रेडियस क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, व्हेन ऑर्बिटल रेडियस इज लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द बॉडी, ओके जी बच्चों, लो जी ये था आपका आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग कल मुलाकात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।